चुका ये काउच विद शुभांकर। स्टूडेंट्स, हर हफ्ते हम आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग एपिसोड्स में ज़रूर लेके जाते हैं, और आज का यही जो एपिसोड है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि चाहे छोटे बच्चे हो या फिर स्टूडेंट्स हो या फिर एल्डर्स हो, सबके लिए जो फेवरेट टॉपिक है वो है फिल्मी दुनिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक्टिंग वर्ल्ड की। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी फेमस एक्ट्रेस है जिन्होंने कि अपना जो करियर है वो एज अ थिएटर आर्टिस्ट के रूप में स्टार्ट किया, और आज आप उनको बहुत सारे वेब सीरीज़ में देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओटीटीज़ में वो डिफरेंट शोज़ में आती है, और उसी के साथ साथ वो बच्चों के साथ भी जुड़ी हुई है। वो मैं आपको बिल्कुल बताऊँगी कि वो कैसे बच्चों के साथ भी जुड़ी हुई है, लेकिन सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि आज हम बात करते हैं रेनिता कपूर जी से। रेनिता कपूर जो है एक एक्ट्रेस है, एक थिएटर आर्टिस्ट है, और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच भी है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे मिलाना चाहते हैं रेनिता कपूर जी को, जो कि एक रोल मॉडल के रूप में आप स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगी और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे हम लोग के साथ चर्चा करेंगी। तो चलते हैं रेनिता कपूर मैम के साथ। तो रेनिता जी, वेलकम टू करियर काउच विद शुभांकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो जी हाँ, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, फिल्मी दुनिया। तो रेनिता जी, कैसे आपका सफ़र कैसे शुरुआत हुआ इसकी, जो है बचपन से जो है आपको शौक था इसके लिए? जी बिल्कुल, 4 साल की उम्र से मैं स्टेज पर हूँ। ओके। वेदर इट्स एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एवरीथिंग, सो या दैट इज़ माई पैशन। एंड प्रोफेशनली जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वो हुई 2015 में। तब से मैं प्रोफेशनली थिएटर कर रही हूँ। मैंने कई फीचर फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज़ करी सिंगापुर में। सो आई वाज ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, इंडिया में भी, बाहर भी। सो या, दिस इज़ हाउ माय जर्नी हैज़ बीन। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई थिंक ऐसे आज के बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई में शायद इतने अच्छे नहीं हैं, बट कल्चरली वो लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो है, ये एक्टिंग बोलिए या फिर जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, ये कितना ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई में भी यू नो इफ़ेक्ट करता है, ये आपके हिसाब से कैसा है? सो आई वुड से कि जितनी इम्पोर्टेंस हम पढ़ाई को देते हैं, उतनी ही उसी लेवल की हमें इम्पोर्टेंस इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को या जो पर्सनालिटी को एनहांस करें, इन सब चीज़ों को देनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप बड़े होते हैं, जब आप एक्चुअली फील्ड में जाके काम करते हैं, तब पढ़ाई तो जितनी काम आती है वो तो है ही, लेकिन जो लाइफ स्किल्स हैं, लोगों के साथ बात कैसे करना है, चलना कैसे है, किस तरीके से स्माइल करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो सिर्फ हमें किताबें और पढ़ाई नहीं सिखा सकते। तो इन दोनों का बैलेंस इज वेरी डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि आपने थिएटर, आप एक थिएटर आर्टिस्ट रही है, तो आपको पता है कि सामने जो है ऑडियंस है, तो ऑडियंस के साथ कैसे आपको आई कॉन्टैक्ट रखना है, कैसे बात करना है। आई थिंक डेफिनेटली ये जो आपने बात करी कि लाइफ स्किल्स, ये डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप अपने पर्सनालिटी को एनहांस कर रहे हैं। तो रेनिता जी, ये फिल्म्स का और ये जो डिफरेंट आप ओटीटीज़ में आप है, इसका सफ़र कैसे शुरू हुआ? इसका सफ़र सिंगापुर में स्टार्ट हुआ। वहाँ पे मैंने थिएटर स्टार्ट करा, ऑडिशंस देने शुरू किए, काम मिलना शुरू हुआ। लोगों को काम पसंद जब आता है तो अपने आप फिर चीज़ें आने लग जाती हैं। फिर इंडिया में मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स मिले। मैंने एक फीचर फिल्म करी, 3 सिस्टर्स एंड अ ड्रीम। बहुत खूबसूरत स्टोरी थी वो, लड़कियों के ऊपर थी। मेरे लिए बहुत ख़ास है वो, लड़कियों की पढ़ाई, उन पे ध्यान देना, जो कई सोसाइटीज़ में नहीं होता। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल स्टोरी आई डिड। तो ये किस में देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स? ये ऑलमोस्ट सब OTT प्लेटफॉर्म्स पर है, अमेजोन प्राइम। अभी हो गया, इसको रिलीज हुए 2 साल हो गए। ओके। एंड सैडली कोविड के टाइम रिलीज हुई, तो इतनी थिएटर्स में लगी नहीं पाई। उस टाइम पे कई मूवीज ऐसी हुई जो साइड हो गई बिकॉज ऑफ यू नो कोविड। उसमें विदिता बाग के साथ मैंने काम किया, मिस्टर शिशिर शर्मा भी थे। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। फिर मैंने मेरा सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट था सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 2, नागेश कुकुनूर सर के साथ। एंड
उसमें आई वर्क विद सचिन पिलगांवकर सर. इट वॉज अ ह्यूज ऑनर फॉर मी टू वर्क विद हिम. एंड देन आई डिड अनदर वन ऑन ऑल्ट बालाजी क्राइम्स एंड कन्फेशन. दैट वॉज अ ब्यूटिफुल वेरी नाइस स्टोरी दैट आई डिड. सो बस ऐसे ही चल रहा है सफ़र. तो रेणुका मैम, सबसे पहले तो मेरा आपसे इसी कॉन्टेक्स में क्वेश्चन है. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद भी जो है एक्टिंग फील्ड में इंटरेस्ट रुचि रखते हैं, तो आप उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहती कि हाउ शुड दे स्टार्ट देयर जर्नी? सब बिकॉज बहुत सारे ऐसे मैं स्टूडेंट्स के साथ मिलती रहती हूँ जिनको एक्टिंग का शौक है बट आई थिंक वो बाथरूम तक ही सीमित हो जाती है एंड स्कूल के स्टेज तक ही सीमित हो जाती है. बट व्हाट अबाउट लाइक लेटर, वो किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं? ओके, सो अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं या अगर ट्राई भी करना चाहते हो इस फील्ड को आप, तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन सम क्लासेस. बिकॉज विदाउट ज्वाइनिंग एनी क्लासेस, विदाउट हैविंग अ गुरु, यू आई डोंट थिंक यू कैन रीच एनीवेयर. हमें लगता है अरे वाह हम बड़े अच्छे एक्टर हैं, हमारे में पर्सनैलिटी है, हम ये कर सकते हैं, बट जब आप एक्चुअली कैमरे के सामने जाते हैं या आप स्टेज पर जाते हैं, उसके लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिस करनी होती हैं, रिहर्स करनी होती हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बिना किसी क्लास में जाए सीखे आगे नहीं बढ़ सकते. तो यू मस्ट ज्वाइन सम वर्कशॉप्स, छोटी वर्कशॉप्स करिए. आई थिंक डेफिनेटली जो स्पीच डिलीवरीज है आप लोगों की, कहाँ पे पॉज लेना, कहाँ पे क्या फास्ट स्पीच रखना, आई थिंक उस वो बिना वर्कशॉप के आप नहीं सीख सकते हो. तो बच्चों अगर आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली हमारे साथ अब हमारी गुरु वन ऑफ द मेंटर रेणुका मैम आपको डेफिनेटली हेल्प करती रहेंगी. तो रेणुका मैम अब जो है मैं आपकी नेक्स्ट जो चैप्टर है, बिकॉज ये कोविड पीरियड से जैसे कि मेरी आपसे बात हो रही थी, आप वर्ल्ड वाइड वर्कशॉप्स करती है स्टूडेंट्स के डिफरेंट एज ग्रुप्स का, तो उसमें मेनली जो है ये आपको कहाँ से समझ में आया कि आपको इस लाइन में भी इंटरेस्ट है और आप बच्चों को जो है मेंटरिंग कर सकती है? ओके, तो ये शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि मेरे खुद के दो बच्चे हैं और जब आपके खुद के बच्चे होते हैं तो आप उनको डेली ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है क्या नहीं है. और मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा. मेरा बस चले तो सारा दिन बस बच्चों के साथ ही रहो. एंड शुरुआत ऐसे हुई कि ना मैं एक्टिंग छोड़ना चाहती हूँ, ना मैं बच्चों के साथ काम करना छोड़ना चाहती हूँ. तो एक ये लाइन मिली और मैंने USA में ऑनलाइन वर्कशॉप्स करी, ऑस्ट्रेलिया के बच्चों के साथ, सिंगापुर के बच्चों के साथ, इवन अडल्ट वर्कशॉप्स करी हैं. या यू आर इनटू फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आल्सो. यस आई डू दैट आल्सो. सो आजकल तो थैंक्स टू ऑनलाइन जूम और सब प्लेटफॉर्म्स पे आराम से ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं. सो आई हैव बीन कनेक्टेड. अभी भी मेरी वन ऑन काफ़ी सेशंस चलते हैं वन ऑन वन, अमेरिका के कुछ बच्चे हैं उनके साथ. तो ये शुरुआत बस इसीलिए हुई क्योंकि अच्छा लगता है जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन कुछ ऐसा सीखती है, क्योंकि फ्यूचर तो बच्चों से ही है. तो अगर हम उनको अभी से कुछ ऐसा सिखाएं कि वो बड़े होने तक इतने परफेक्ट, इतनी ब्यूटीफुल पर्सनालिटीज़ निकल के आएँ, तो पूरे देश का या पूरी दुनिया का ही विकास होगा. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेफिनेटली मैम. तो ये जो आपके मेनली वर्कशॉप्स रहते हैं ये पर्सनालिटी एनहांसमेंट के ऊपर ही रहता है. सो इसमें आप क्या क्या चीज़ें कवर करती है मैम? इसमें बॉडी लैंग्वेज है, बात करने का तरीका है, एटिकेट्स हैं, ग्रूमिंग है, कैसे बैठना है, आई कांटेक्ट कैसे करना है, किस तरीके से स्माइल करनी है. बेसिकली एक बार जब आप किसी से मिलते हैं और जो आप इम्प्रेशन छोड़ते हैं उस पे आपका सारा फ्यूचर डिपेंड करता है. डेफिनेटली, यस. द फर्स्ट मीटिंग इज सो इम्पॉर्टेंट. तो हाउ शुड यू डू दैट? एंड डिपेंडिंग ऑन योर एज आई ऑल्सो टीच स्पीच एंड ड्रामा, कैसे स्पीच की क्लैरिटी होनी चाहिए. और थिएटर करने से ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं. लाइक अगर आप स्टेज पे जाके एक्ट करेंगे एंड आप कैमरे के सामने एक्ट करेंगे, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है. बिल्कुल है. बीइंग ऑन स्टेज अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो आई थिंक एवरीबडी शुड डू थिएटर. दैट इज़ वन थिंग जो कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ही मतलब एक्सट्रीम तक ले जाता है. डेफिनेटली मैम, आई थिंक आई अग्री टू योर पॉइंट बिकॉज बचपन से मैंने भी बहुत सारा, आई एम अ बंगाली एंड मैंने भी बहुत सारा थिएटर्स किया है एंड आई वॉज इन टू क्लासिकल डांसिंग ऑल्सो. सो आई कैन को रिलेट कि क्या आपको बड़े होने के बाद उस एक्सपीरियंस का किस तरीके से आप प्रैक्टिकली आप लाइफ में उसको डाल सकते हैं. तो मैम आपने अभी बताया कि आपने न्यूयॉर्क से लेके आप सिंगापुर में इतने साल रही है, 2015
2015 onwards आप सिंगापुर में थी, right? 2007. 2007 onwards, so such a long time. तो आपको क्या लग रहा है, अभी आप जैसे इंडिया में हैं, आपके दोनों बच्चे यहीं पे पढ़ रहे, so क्या difference अगर मैं आप लोग आपसे पूछूं, तो आपको क्या लग रहा है कि बाहर के students और यहाँ के जो students हैं, उनमें क्या difference क्या आपको लगा अभी तक? I feel एक बहुत बड़ा difference है discipline में, और discipline in the sense कि किस तरीके से बात करनी चाहिए, उसमें मैंने बहुत बड़ा एक डिफरेंस नोटिस किया. एंड ऑल्सो कई बच्चे हैं जो इंग्लिश में खुल के बात करना चाहते हैं बट शायद बट नहीं बोल पाते, बोल नहीं पाते, लैक ऑफ प्रैक्टिस है. एंड आजकल सब लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, तो सब चाहते हैं कि हम बड़े होके फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करें या कॉन्फिडेंट, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है. जब आपका लैंग्वेज पे कमांड होता है तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. जी हाँ मैम, बिल्कुल. बिकॉज इफ आई रिमेम्बर, हम लोगों ने लास्ट जो हमारा एपिसोड था उसमें हमारे साथ लैंग्वेज स्पेशलिस्ट आई थी जो कि फ्रेंच पढ़ाती है सालों से, तो उन्होंने भी हमें रोल मॉडलिंग करके बताया था कि मतलब यहाँ के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लोग पहले इंग्लिश में हर चीज ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं एंड देन दे डिलीवर इट. अगर फ्रेंच भी सीखना है तो पहले वो इंग्लिश दिमाग में आता है एंड देन दे कन्वर्ट. तो आई थिंक मेन प्रॉब्लम यही पे हो जाता है कि हिंदी एंड देन इंग्लिश. एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज जिस भाषा में हम सोचते हैं वो ही हमारे मुंह से कॉन्फिडेंटली निकलती है. तो उसका एक ही तरीका है, अगर आप लैंग्वेज में इंप्रूव करना, प्रैक्टिस. आई थिंक जितना ज्यादा आप रीड करेंगे एंड देन आपके पास कोई भी नहीं है, तो मैं भी ये चीज बताती हूँ कि सामने मिरर है, तो आई थिंक जब तक आप बोलेंगे नहीं, हाँ. तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आई थिंक स्टूडेंट्स में हम लोग हर एपिसोड में आप लोगों को यही बताते हैं कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम होम. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वी ऑल नो दैट, सो दैट्स द रूल. डेफिनेटली. तो मैम ये जो लाइफ स्किल्स, जैसे कि आप हमारे करियर काउच गुरु को भी जानते हैं कि करियर काउच गुरु इज इनटू करियर एनहांसमेंट प्रोग्राम्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एंड आप हमारी वन ऑफ द मेंटर भी उसमें है, तो आप खुद भी एक ऑलरेडी ब्रांड आप उसमें काम कर रही है, आप पूरे दुनिया के साथ, दुनिया के बच्चों के साथ जुड़ी हुई है, एंड आप करियर काउच गुरु में भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप देख रहे हैं, तो आप का क्या एडवाइस होगा, हाउ शुड दे स्टार्ट, हाउ डू दे प्रैक्टिस, एंड उसको प्रैक्टिस करते हुए आगे उनको क्या इससे फायदा होने वाला है? सो आई थिंक करियर काउच गुरु इज डूइंग अ ग्रेट ग्रेट जॉब. बहुत अच्छा एक ग्रुप प्लेटफॉर्म, एक यू नो इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ आप जुड़ के इतना कुछ सीख सकते हो. एंड लाइक आई सेड कि सिर्फ पढ़ाई से लाइफ स्किल्स नहीं सीखे जा सकते, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह के, इनको करना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो उनसे जुड़े रहें और उस पर और प्रैक्टिस करें. आई वॉज टॉकिंग टू यू येस्टरडे, तब आपने मुझे एक एग्जाम्पल दिया कि आप बाहर किसी देश में किसी बच्चों के साथ एक ग्रुप वर्कशॉप कर रही थी जहाँ पे आपने बच्चों को स्माइल करना सिखाया. तो इट इज लाइक मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग चीज थी कि बच्चों को हंसना भी नहीं आता है, वो भी सिखाना पड़ता है. ये बहुत सैड इंसिडेंट था कि क्लास में मेरे को 14-15 साल के बच्चे थे, मैंने उनको हंसने की एक्सरसाइज दी, उन्होंने हंसना नहीं आता था. एंड बाद में उन्होंने कहा मैम आपने 10 दिन में हंसना सिखा दिया, हमें तो पता ही नहीं था हंसते कैसे. डेफिनेटली आई थिंक जो हम भी जैसे वर्कशॉप्स करते हैं, आई गो टू स्कूल्स एंड डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों के साथ हम लोग मिलते हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा तो एक जो अंदर से जो डर है कि बाहर अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग के सामने मैं कुछ भी बोलूँ तो हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट टू माई स्टेटमेंट. तो आई थिंक उससे ही सबसे ज़्यादा उनको डर लगता है. आई थिंक जो जजमेंट एक चीज़ है ना, उससे हम सब डरते हैं कि हमने ऐसा किया तो अगला क्या सोचेगा, फिर हमारे बारे में उल्टा सीधा कुछ बोलेगा, तो उस चीज़ की वजह से हम लोग अपने आप को रोक लेते हैं. सो ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी डेवलपमेंट एनहांसमेंट प्रोग्राम्स में कवर होती हैं कि किस तरीके से आप इन चीज़ों से बाहर आएँ, किस तरीके से इन नेगेटिविटी और इन यू नो लो वेज ऑफ थिंकिंग से बाहर निकलें. डेफिनेटली मैम, और इसीलिए जो है करियर काउच का यही प्रयास हमेशा रहता है कि आप जैसे रोल मॉडल्स हम हमेशा अपने एपिसोड्स में लाएं, बिकॉज बच्चों आपको ये हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे रनिता मैम है, शी इज़ ऑलरेडी एक्सपर्ट इन हर ओन फील्ड, तो उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट एनहांसमेंट में क्यों आना है? बिकॉज आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जितना सीखेंगे, आप किसी को भी फेमस पर्सनालिटी को जब आप देखते हैं तब उनके अच्छे चीज़ें आप अपने अंदर लाने की कोशिश करिए. आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस कि आप देख के
उसको अपने अंदर सीखे, राइट, उसको प्रैक्टिस करें. डेफिनेटली रहने था मैम. आई थिंक मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा आज का, और बच्चों को भी मैं बार बार बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग रेनिता मैम के वर्कशॉप्स और रेनिता मैम से भी मिलना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे शो में दिए गए नीचे नंबर्स में व्हाट्सएप करना है और हमें ईमेल करना है. तो मैम लास्ट कुछ सेंटेंसेस अगर आप हमारे बच्चों को कुछ एडवाइस देना चाहें तो. ऑल आई कैन से इज़ कि अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस बना के रखें, पढ़ाई करें, खेलें कूदें, और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए या जो शौक़ हैं, कोई भी पैशन है आपका, उसको फॉलो करें. वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो, फोटोग्राफी हो, एक्टिंग हो, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको करके बहुत खुशी मिलती है, वो हर रोज़ ज़रूर करें. दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो रेनिता मैम, ये जो आपने वर्ल्ड वाइड जो वर्कशॉप्स किया है आपने पूरे, आपसे मुझे ये पता चला कि पूरे कोविड के दौरान आपने ये डिफरेंट वर्कशॉप्स प्लान किए हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के बच्चों को आप एक ही प्लेटफॉर्म पे लाए हैं. मैम उसी में से हमारे शो के कुछ ऑडियंसेस को आप किस तरीके से कुछ सिखाना चाहते हैं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन टू मेंटरशिप, सो कुछ हमें भी बताइए प्लीज़. आई वुड से कि बीइंग एन एक्टर, चाहे थिएटर हो चाहे कैमरा के सामने जब हम एक्ट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा डर, जैसे अभी आपने ये बात बोली, जजमेंट का होता है, राइट? तो जब एक बारी वो इनहिबिशन निकल जाती है कि ठीक है कैमरा है, यू नो यू हैव टू बी योरसेल्फ, जो भी आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, रोल प्ले कर रहे हो, जो हम लोग पूरी ज़िंदगी रोल प्ले करते हैं, कभी एक माँ का, कभी बेटी का, कभी स्टूडेंट का, कुछ भी. तो मैं अपनी वर्कशॉप्स में आई क्रिएट सिचुएशंस, लाइक आई गिव यू अ रियल लाइफ सिचुएशन कि ओके ये सिचुएशन है, एंड ऑन द स्पॉट दैट सिचुएशन इज गिवन कि दे आर टू थ्री कैरेक्टर्स इन दैट सिचुएशन, और इस सिचुएशन में आप हो, अब बताओ क्या करोगे, अगर आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे. सो बेस्ड ऑन दैट एकदम से जब दिमाग चलता है एंड देन यू थिंक अबाउट इट, ओ हमें ये करना है, ऑटोमेटिकली अंदर से सॉल्यूशंस निकलते हैं. सो जब हम एक इम्प्रोवाइजेशन करते हैं लाइक दैट, आप रोल प्लेज की बात कर रही हैं, राइट? तो थिएटर में एक ये टेक्निक, एक वे ऑफ थिएटर है, इट्स कॉल्ड इम्प्रोवाइजेशन, जिसमें लास्ट मिनट एक सिचुएशन दी जाती है और आपको उस पर एक्ट करना होता है. इट्स ऑन द स्पॉट लाइन्स बोलनी होती हैं, एक्टिंग करनी होती है. और हम अगर सोचें, हम स्कूल में जैसे हम बच्चे हैं या हम टीचर हैं, या हम हर पल कुछ ना कुछ एक्टिंग कर ही रहे होते हैं, राइट? तो ऑल आवर लाइफ वी आर बेसिकली एक्टिंग, पर हम इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, लाइक दैट्स व्हाट आई टीच इन माय वर्कशॉप्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि एक सिचुएशन आई है उसमें आप एक कैरेक्टर हैं और आपके पास कुछ है नहीं, कैसे आप उसको हैंडल करेंगे. सो दिस इज हाउ यू यूज दीज थिएटर टेक्निक्स एंड एक्टिंग टेक्निक्स टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इन रियल लाइफ. ओके, वंडरफुल. एंड जैसे कि आपने मुझे बताया यू आर इनटू फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सो व्हाट डू यू डू विद फैकल्टीज, बिकॉज़ वो तो ऑलरेडी अपने फील्ड में माहिर है, वो खुद ही बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं. तो मेरा ये मानना है, और आई थिंक सब इस बात से एग्री करेंगे, कि एक हम ट्रेनिंग लेकर एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में आ जाते हैं और उसमें हम एक्सपर्ट बन जाते हैं, बट जो हमारे अंदर एक सेल्फ है, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है एज अ पर्सन, हम उस पर शायद वर्क करना भूल जाते हैं. सो माय फोकस इन दीज वर्कशॉप्स इज मेनली ऑन दैट, ऑन योर सेल्फ. तो कोई आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ, योर एंड समटाइम्स आप पूरा दिन काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हो, इवन फॉरगेट अबाउट योर सेल्फ. सो माय फोकस इज मेनली ऑन सेल्फ केयर. आई टीच देम दैट, एंड आई टीच हाउ डू यू रिकग्नाइज योर ओन plus points and also negative points, and how do you overcome okay. those negative points, because jaise hi aapki khud ki personality enhance hogi, aapka apne aap colleagues ke saath confidence boosting hoga, confidence boost hoga, relationship achhi hogi, jab workplace pe sab acche tarike se ek dusre ke saath behave karenge to puri organization ko fayda hoga, ek happy environment rahega. Right. Definitely. Aur isse I think age ka koi matlab nahi hai, because I remember main jab schools mein jati hu aur stress releasing ke upar main workshops karati hu, to sabse zyada I think covid period mein teachers ne hi mujhse bola tha ki ma'am hame zyada zarurat hai iski, to I can understand ki kyu zarurat padti hai. Yes. एंड मोर ओवर अगर टीचर्स की पर्सनैलिटीज़ काम होंगी, अंडरस्टैंडिंग होंगी, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली बच्चों पे जाएगा.
मतलब आप देखिए, घूम फिर के सारा का सारा एक दूसरे से कोरिलेटेड है. सो आई डेफिनेटली. थिंक फॉर एवरीवन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप बच्चे हैं या अडल्ट हैं, किसी भी स्टेज पर हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेटली. वेल स्टूडेंट्स, तो आज बहुत सारे इम्पॉर्टेंट और एक्साइटिंग टॉपिक्स पे हम लोगों ने बात की, और रनिता मैम ने शेयर किया कि कैसे इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स तो एक ही होते चाहे वो बाहर के हैं चाहे इंडिया के हैं, बच्चे तो आप लोग सेम एज ग्रुप के हैं, और आप लोग जो सोचते हैं वो आई थिंक हमें भी पता है कि आप किस नज़रिया से सोचते हैं, कैसे आप लोग परफॉर्म करते हैं. और इसी को लेके जो है हम करियर काउच गुरु में डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स में हम लोग आपको बताते रहते कि किस तरीके से आप लोग अपने पर्सनालिटी के ऊपर सबसे पहले काम करें, कैसे कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के ऊपर आप लोग काम करें. और हमारी करियर काउच की यही हमेशा प्रयास रहती है कि हम लोग रनिता मैम की तरह रोल मॉडल्स आपके सामने लेके आए और आपको लाइव एग्जाम्स बेल्स के तरह आप लोग को समझाते रहे. तो जी हाँ, इसी कुछ इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के साथ हम फिर मिलेंगे आपके साथ. रनिता मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर शो. स्टूडेंट्स, देखते रहिए एवरी संडे 9 PM ओनली ऑन प्राइम टीवी करियर काउच विद शुभांकर. टेक केयर. बाय बाय.